हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। तो अब जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, हम उन्हें बता दें कि हमने शुरुआत की थी प्रभुपाद के साथ एक माला का जप किया। उसके बाद जो हम डेली इस श्रृंखला में भगवद गीता के अध्ययन से पहले, सत्र शुरू होने से पहले, हम मंदिर के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करते हैं और हर रोज एक आरती का गायन भी करते हैं। इसी श्रृंखला में हमने सुबह की मंगल आरती का पूरा प्रातःकालीन सत्र की आरतियां गाई, श्रृंगार आरती के समय की आरतियां गाई, उसके बाद राजभोग समय की आरतियां गाई, संध्याकालीन सत्र की आरतियां गाई। तो आज हम पहुंचे थे संध्याकालीन, जब हम नरसिंह देव जी की आरती गाते हैं। तो आज हमने तुलसी माता जी की आवाज में नरसिंह देव जी की आरती सुनी। इसके बाद हम कल और परसों जो दो सत्र बचे हैं उसमें, जैसे रात को शयन आरती के समय भगवान का कीर्तन होता है बहुत सुंदर, दो सत्रों में हम वो भी करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के सत्र की तरफ और शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सुंदर सत्र में। तो आज हम भगवद गीता के 16वें अध्याय पर पहुंचे। अब तक 15 अध्यायों में हमने क्या क्या पढ़ा, एक क्विक रिकैप रोज की तरह। पहले अध्याय में भगवान अर्जुन के रथ को ठीक दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं और अर्जुन वहां से अपनी सेनाओं का निरीक्षण करते हैं। अर्जुन देखते हैं कि जिनका उन्हें वध करना है वो तो उनके स्वजन है, कोई पितामह है, कोई गुरुदेव है। अर्जुन इस शिष्यों का कुल हो जाते हैं और अपना धनुष रख देते हैं और पांच कारण देते हैं जिनके कारण वो ये युद्ध नहीं करना चाहते। ये पांच कारण हम सभी जानते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान गीता का सार कहते हैं कि जिन्हें अर्जुन को मारना है वो तो दरअसल आत्माएं हैं, शरीर है ही नहीं, और आत्मा का तो कभी हनन हो ही नहीं सकता। तो शरीरों का अगर वध हो भी जाए तो इससे अर्जुन को शोकाकुल नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ भगवान ज्ञान देते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, छोटा छोटा ग्लिम्स सभी का भगवान देते हैं। इसीलिए इस अध्याय का नाम गीता सार है। तीसरे अध्याय में कर्म योग, जहाँ भगवान कर्मों के बारे में बताते हैं, मनुष्य कर्म योग के द्वारा किस प्रकार भगवान को प्राप्त कर सकता है। चौथे अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान देते हैं, भगवद गीता का इतिहास कितना पुराना है, ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है, कल्पों की गणना क्या है, युगों की गणना क्या है, भगवान सब समझाते हैं। पांचवें अध्याय में कृष्ण भावनामृत कर्म, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कृष्ण भावनामृत कर्म कैसे किए जाते हैं, क्यों करने चाहिए,
कृष्ण भावनामृत कर्म करने से मनुष्य किस तरह से कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। छठे अध्याय में भगवान ध्यान योग बताते हैं। अष्टांग योग के द्वारा भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसकी मुद्राएं कितनी कठिन है। आज के युग में जहां अष्टांग योग नहीं हो सकता, वहां मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये ज्ञान देते हैं। तो 1 से लेकर 6 तक भगवान कर्म योग के ऊपर बताते हैं। फिर 7वें अध्याय से भक्ति योग शुरू होता है, जो 12वें अध्याय तक चलता है। 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान, भगवान का ज्ञान क्या है। 8वें अध्याय में भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करने के मार्ग कौन कौन से हैं, किस तरह अंत समय में भगवान का स्मरण करने से मनुष्य भगवत प्राप्ति कर सकता है, और भी बहुत सारे मार्ग सुझाते हैं। किस तरह से भक्ति योग कर्म योग और ज्ञान योग से सर्वश्रेष्ठ है, ये भी बताते हैं। 9वें अध्याय में परम गोही ज्ञान, भगवान बताते हैं उनका ज्ञान क्या है, भगवान कैसे शाश्वत है। भगवान अपने बारे में भी बताते हैं, भगवान अपने ट्रेट्स बताते हैं, क्या कि जैसे जल में मैं स्वाद हूँ, जैसे अग्नि में मैं तपिश हूँ, मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, तपस्वियों का तप हूँ, है ना। भगवान एक एक करके अपने सारे ट्रेट्स बताते हैं। 10वें अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य दिखाते हैं, जिससे कि हमें क्या पता चलता है कि आज के युग में यदि कोई हमें भ्रमित करने की चेष्टा करे कि मैं भगवान हूँ, या मैं भगवान की तरह तुम्हें ये आशीर्वाद दे सकता हूँ, ये दिखा सकता हूँ, वो दिखा सकता हूँ, तो हमें केवल 2 प्रश्न करने चाहिए। पहला कि आप हमें अपने ऐश्वर्य बताइए, और दूसरा जो 11वें अध्याय में आया, विराट रूप, आप हमें अपना विराट रूप दिखाइए। क्योंकि जिस तरह से भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं, सैकड़ों हजारों मुख हैं, आंखें हैं, पेट हैं, हाथ हैं, पैर हैं, जो सर्वत्र सारी दिशाओं में फैले हुए हैं, भगवान अर्जुन को दिखाते हैं। क्यों? ताकि आने वाली पीढ़ियों में कोई इस बात पर संदेह ना उठाए कि भगवान का अस्तित्व नहीं। 12वें अध्याय में भक्ति योग, भगवान बताते हैं कि किस प्रकार भक्ति योग सबसे उत्तम अवस्था है, और किस प्रकार कर्म योग और ज्ञान योग के ऊपर जाकर इंसान मनुष्य भक्ति योग तक पहुंच सकता है, क्योंकि वही पराकाष्ठा है। फिर 13वें, 14वें और 15वें अध्याय में हमने क्या क्या सीखा। प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में सीखा। प्रकृति क्या है, जीव क्या है, जीव में चेतना होने से क्या फर्क पड़ता है, जीव में और अन्य योनियों में, क्षमा कीजिए, मनुष्य में और अन्य योनियों में क्या फर्क है। फिर हमने प्रकृति के 3 गुण सीखे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हमने ये भी सीखा इन 3 गुणों के लक्षण क्या है, कौन से लक्षण में होने से हम ये जांच कर सकते हैं कि ये मनुष्य सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है ना। फिर हमने क्षमा कीजिए, और क्या बताया, भगवान ये भी बताते हैं कि किस गुण का व्यक्ति कौन से योनि को प्राप्त करेगा। जो रजोगुणी होगा वो सत्व गुण में रहेगा, उसकी गति होने के बाद, मृत्यु होने के बाद वो उच्च लोकों में जाएगा। रजोगुण में अगर मृत्यु होती है तो व्यक्ति फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसेगा, पृथ्वी लोक पर भी आ सकता है। और तमोगुण में जिसकी मृत्यु होगी वो निम्न योनियों में जाएगा, पशु योनि में भी जा सकता है। और कल हमने पढ़ा पुरुषोत्तम, तो जिस तरह से अभी हमने कार्तिक मास में हमें क्या बताया जाता है कि पुरुषोत्तम योग का अध्ययन हमें रोज करना चाहिए, तो इस अध्याय से हमें भगवान का गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान भी प्राप्त होता गया। तो आज हम चलते हैं हमारे 16th चैप्टर पे, 16वें अध्याय। पवन प्रभु जी, आप कृपया चेक करके बताएं, ठीक से स्लाइड्स दिख रही है ना। जी माता जी, लिख ओके, तो अब 15 अध्यायों के एक क्विक रिकैप के बाद अब हम चल रहे हैं 16वें अध्याय पे। तो 16वां अध्याय, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक भगवान ने कर्म योग बताया, 7 से 12 तक भक्ति योग, अब हम चल रहे हैं ज्ञान योग के अंतर्गत। तो दैव असुर साधन विभाग योग, ये इसका नाम है, और हम इसे दैवी और आसुरी स्वभाव के नाम से इस अध्याय को अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दैवी और आसुर। दैवी अर्थात जो देव से युक्त हो, तो देव जिसमें देव गुण हो वो दैवी हुआ, और असुर कौन है, आसुरी कौन है, जिसमें असुरी गुण हो। तो हमें सुर असुर, देव असुर, इनके बारे में थोड़ा सा जानने को मिलेगा, और इनका स्वभाव समझ में आएगा कि इनका स्वभाव क्या होता है, इनसे हमें
कैसे ये पता चलता है कि कौन सा मनुष्य किस स्वभाव में? शुरुआत करते हैं। श्री भगवान उवाच, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग विवस्थति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीर्चापलम तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवीं विजातस्य भारत। भगवान क्या कहते हैं? हे भरत पुत्र, तो हमने जब शुरुआत ही की थी तो एक चीज हमने चर्चा किया था कि बहुत अलग अलग नामों से भगवान अर्जुन को बुलाते हैं और अर्जुन भगवान को बुलाते हैं। कभी ये दोनों एक दूसरे को अर्जुन और श्री कृष्ण ही कहते हैं, कभी केशव माधव और अनघ, और वो उनको गुड़ाशेष कहते हैं, वो उनको ऋषिकेश कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं। तो भगवान अर्जुन को कभी कुंती पुत्र कहते हैं, कभी भरत पुत्र कहते हैं, कभी भारत कहते हैं, और बहुत सुंदर लगता है ये नए नए नाम सुनने में। तो भगवान अर्जुन को इस बार कह रहे हैं क्या? भरत पुत्र। निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं इस श्लोक में। इस श्लोक में हम देवी प्रकृति के से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में कौन से गुण पाए जाते हैं, वो गुण पढ़ रहे हैं। तो हमें इन गुणों के बारे में पता चलेगा। पहले हम देवीय गुण समझेंगे, फिर हम आसुरी गुण भी समझेंगे, है ना? तो हम पढ़ते हैं एक एक करके गुण। निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान जिसका अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या, सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संबंधित देव पुरुषों में पाए जाते हैं। तो इन गुणों को समझते हैं। निर्भयता क्या है? जिसमें डर ना हो, जिसकी आत्मशुद्धि हो चुकी हो, अर्थात जो मन अंदर बाहर से आंतरिक रूप से बाह्य रूप से शुद्ध हो, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान हो, है ना, जिसको जो दान करता हो, जिसका आत्मसंयम हो अर्थात उसका अपने मन और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो, यज्ञ परायण हो अर्थात वो वेदों के हिसाब से चलता हो, शास्त्रों के हिसाब से चलता हो, यज्ञ करता हो, वेदाध्ययन करता हो, तपस्या करता हो, सरल स्वभाव का हो, अहिंसा। अब अहिंसा भी दो तरह से समझी जाती है। एक तो अहिंसा हम कहते हैं जहां हम किसी तरह की हिंसा ना करें, जैसे पशु वध ना करें, आपस में लड़ाई झगड़े ना करें। और अहिंसा का एक और भी बहुत सुंदर अर्थ है कि यदि किसी को हम आध्यात्मिक स्तर तक ना पहुंचाए तो वो भी अहिंसा है। सत्यता अर्थात सच बोलने की आदत, जिसमें क्रोध ना हो, जो त्याग कर सकता हो, जिसमें शांति हो, जिसकी जो जो समस्त जीवों के प्रति करुण हो अर्थात सबके प्रति दया भाव रखता हो, जिसमें कोई लोभ ना हो, भद्र हो अर्थात बहुत शालीनता से बात करता हो, जिसमें लज्जा हो, संकल्प जिसका स्ट्रांग हो, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो, जिसमें तेज हो जो क्षमा कर सकता हो, जिसमें धैर्य हो धीरज हो, जो पवित्र हो आंतरिक रूप से भी बाह्य रूप से भी, ईर्ष्या भी ना करता हो, और जिसमें सम्मान की आशा ना हो अर्थात जो कभी किसी से सम्मान ना चाहे। और हमने आचार्यों के लेक्चर्स में सुनते हैं, हम आचार्यगण क्या बताते हैं कि जो सही मानों में वैष्णव होता है, यदि उसकी ज्यादा कहीं तारीफ होती है तो वो उस जगह से ही भाग जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह की तारीफ से उसके मन में अपने ऊपर कोई घमंड आए या वो अपने आप को कुछ समझने लगे। इसलिए वैष्णव कभी अपनी तारीफ नहीं चाहता। तो भगवान कहते हैं जिनमें ये सारे गुण हैं वो कौन है? वो देवीय स्वभाव से युक्त है। उनकी प्रकृति कैसी होगी? दैवीय होगी। तो अब आप में से जो भी पढ़ना चाहते हैं कृपया हैंड रेज करें। हमारे सत्र में से तो कुछ लोग हैं जो रोज पढ़ते हैं, आज नए भक्त भी जुड़े हुए हैं, तो जो भी पढ़ना चाहें कृपया हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा, एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, आज बहुत सुंदर, इतने सुंदर भक्त आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
एक सेकेंड, चलिए हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। गणपति राम माता जी, रूपा कुमारी माता जी पढ़िए। छंद 16 एक से तीन में उल्लिखित ये सभी 26 गुण परलौकिक हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे परलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। हरे हो गया कृष्ण, माता जी। धन्यवाद माता जी। तो क्या बताते हैं, छंद 16.1 से 3 में, अर्थात अभी जो हमने 3 श्लोक पढ़े उनमें उल्लेखित ये 26 गुण, हमने 26 गुण हमने पढ़े, ये सभी पारलौकिक। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म क्या है, हम 2 प्रकार से इसको समझते हैं। एक, जहां पर हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 डिवीजन करते हैं। और दूसरा, हमारे जीवन के 4 आश्रम। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? हमारा सबसे पहले ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। तो जहां पर इन दोनों नियमों का, इन दोनों प्रणालियों का पालन हो, वहां हम वर्णाश्रम की बात करते हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली वर्णाश्रम कहा जाता है। 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। तो इन्हीं के मुताबिक इन सभी 26 गुणों का हमें आचरण होना चाहिए। जैसे कि पिछली साइड पे चलते हैं एक बार, देखिए जैसे कि ये सारे जो भी हम पढ़ पा रहे हैं, अब फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक बीच में से लेते हैं, जैसे हम लेते हैं अहिंसा। अब अहिंसा किसके पास आएगी, हिंसा कौन करते हैं, हिंसा की आशा कहाँ रहती है, जो रजोगुणी होगा, जैसे कि क्षत्रिय है ना। तो हमें ये देखना है कि ये जितने भी ये दिए हुए हैं 26 गुण, ये कहीं ना कहीं वर्णों पर भी फिट बैठेंगे और हमारे आश्रमों के अंतर्गत भी आएंगे। तो हमें देखते हुए चलना है इसको, है ना। तो यही बताया गया है कि इन 26 गुणों को, इनका जो आचरण है वो कैसा होना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। और क्या बताते हैं, इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा यदि किया जाए तो पारलौकिक बोध से उच्चतम मंच तक उठना संभव है। अर्थात भौतिकता से फिर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक तरफ की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो हमने गुण पढ़े, आत्मसंयम होना, शुद्ध होना, आंतरिक शुद्धता, बाह्य शुद्धता, सत्यता, क्रोध विहीनता, है ना, धर्म परायण होना, और कभी किसी से द्वेष ना रखना, ईर्ष्या ना रखना, ये गुण धीरे धीरे हमें भौतिकता के स्तर से आध्यात्मिक स्तर पर अवश्य लेके जाएंगे। चलिए, और जो लोग पढ़ना चाहें प्लीज हैंड रेस करके रखिए, एक एक करके सब पढ़ेंगे। दम्भो दर्भ अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चा विजातस्य पार्थ संपम संपदमासुरीम। हे प्रथा पुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता और अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण है। अब जो भी जिसमें भी अभिमान होगा, जिसके अंदर एक, जिसे कहते हैं ना, अपने को कुछ समझने की एक वो होगी, क्रोध होगा, जो स्वभाव से कठोर होगा, वो कैसा होगा, आसुरी स्वभाव वाला होगा। तो हमने सूरी और आसुरी, अर्थात दैवीय और आसुरी स्वभाव वालों के हमने गुण पढ़े, और ये भी हमने समझा कि इनका पालन कैसे होना चाहिए वर्णाश्रमों के हिसाब से। देवी संपद मोक्षाया निबंधाया सुरी मता माशुचह संपदम दैवीं विजातो असि पांडवा। सुजल प्रभु जी अनम्यूट करें। सुजल प्रभु जी, अनम्यूट करें प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आवाज अरे आ अरे रही? हाँ, अनवित नहीं हो पा रहा था। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन देने दिलाने के लिए है। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो,
क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान अर्जुन को ये आश्वासन दे रहे हैं कि अर्जुन कहाँ से आए हैं, अर्जुन दैवीय गुणों के साथ जन्मे हैं, तो दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है। अगर हम दिव्य गुणों की बात करें, जो हमने 26 दैवी गुण सीखे, वो गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, और जो आसुरी गुण है वो बंधन के लिए। क्यों? आसुरी गुणों में क्या हमने पढ़ा, अभिमान है, क्रोध है, कठोरता है। तो ऐसे गुण आने से क्या होगा, मनुष्य बंधन में बंधेगा ना, क्योंकि अगर वो बुरे कर्म करेगा उसको पाप फल लगेंगे, पाप फलों से जब उसको नरक में जाना पड़ेगा, वहां से उसको निम्न योनियों में जाना पड़ सकता है, तो कहीं ना कहीं मनुष्य का पतन होता है। लेकिन भगवान अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम तो देवी गुणों के साथ ही जन्मे हो। और यहाँ पर इस चित्र में भी यही दिखाया गया है। तो सुंदर दर्शन भगवान के, श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान बैठे हैं, और यहाँ भगवान चतुर्भुज रूप में, तो ये वैकुंठ धाम होगा अवश्य करके, क्योंकि यहाँ भगवान चतुर्भुज में है। हरे कृष्ण, भगवान के दर्शन कर लिए, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं भगवान क्या बता रहे हैं। दो भूत सर्गो लोकस्मिन् अन्दैव आसुरैव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। सुजल प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हे हरे कृष्ण। पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी को दो प्रकार के, माफ करना माता। हे पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं कि दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, प्राणी होते हैं, तो दैवीय गुणों के बारे में मैं बता चुका हूं, अब आसुरी गुणों के बारे में सुन। प्रवृतिम च निवृत्तिम च जना विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। तो आसुरी स्वभाव वालों के साथ क्या होता है, उनके अंदर पवित्रता ही नहीं होती। हम सब जानते हैं कि पवित्रता के लिए हमें दोनों पवित्रताएं देखनी होती है, हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए, हमारी आत्मा भी शुद्ध होनी चाहिए। तो मन और आत्मा की शुद्धि कर, और हमारा शरीर भी पवित्र होना चाहिए, जो स्वच्छता है वो भी मेंटेन होनी चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो आसुरी व्यक्ति होते हैं उनमें किसी तरह की पवित्रता नहीं होती, उनका मन और आत्मा शुद्ध नहीं हो सकता, उनका आचरण अच्छा नहीं होता, वो सत्य भी नहीं बोलते। तो इन वे भगवान ने ये तीन गुण हमें और बता दिए, किसके, आसुरी के, अर्थात अपवित्रता, बुरा आचरण और असत्य। ये भी किसके गुण हो गए, आसुरी स्वभाव। भगवान ने पहले दैवीय गुण बताए, अब भगवान आसुरी गुण बता रहे हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगता हुनरीश्वरम अपरस्पर संभूतम कि मन्यत कर्म हेतुकम। निमिषा अमृत्या माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो वे कहते हैं ये जगत मिथ्या है। कौन कहते हैं? जो लोग इसको नहीं मानते, जो जो सत्य भगवान ने दिए हैं, ऐसे बहुत से पंथ हैं, ऐसे बहुत से छोटे बड़े संप्रदाय हैं, संप्रदाय तो हमने नहीं कहेंगे, छोटे बड़े मिथ्स जो होते हैं, जो पंथ होते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये जगत तो मिथ्या है, इसका कोई। और हमने कल क्या पढ़ा था, एक अश्वत्थ वृक्ष है और उसका उल्टा प्रतिबिंब है, हमने मिथ्या नहीं कहा, हमने कहा उसका उल्टा प्रतिबिंब है, क्योंकि जो आध्यात्मिक वृक्ष है वो सत्य है और ये इस वो असल है और ये उसका उल्टा प्रतिबिंब है, उसके जैसा है। हम इसे क्षणिक कहते हैं, हम कहते हैं भगवान ने क्या बताया है,
ये क्षणिक है। भगवान ने क्या बोला है, ये भगवान ने ये नहीं बोला कि ये मिथ्या है, भगवान ने क्या बोला, क्षणिक अर्थात टेम्परेरी, अस्थाई है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। ये सब कौन बोल रहे हैं, जो कि नास्तिक लोग हैं, उनका कहना है ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है। ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि एडम और ईव आए और फिर आगे चल पड़ा संसार, है ना, लेकिन भगवान ने तो ऐसा नहीं बताया। श्रीमद् भागवतम पढ़ी है, सृष्टि की रचना कैसे हुई बताई गई है उसमें। तो जो नास्तिक लोग होते हैं वो अपनी अलग ही एक व्याख्या करते हैं, क्या कह रहे हैं, ये जगत मिथ्या है, ये तो काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इसमें भगवान का कोई रोल ही नहीं है, है ना। आगे पढ़ते हैं, वंदना दुबे माता जी अनम्यूट करें। अनम्यूट करें माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। 16 अनुगमन। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हरे बिल्कुल, कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आसुरी लोगों के ऊपर, क्योंकि उनके जो तमोगुण होते हैं वो इतने ज्यादा प्रभाव करते हैं, इतने डोमिनेट करते हैं उनके माइंड को, कि वो अपनी बुद्धि ही खो बैठते हैं। अब जैसे आप पीछे देख रहे हैं कितना बड़ा बॉम्ब एक्सप्लोजन दिखाया गया है, जैसा कि हम सब जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी, हमने सबने पढ़ा है, तो किसी ने तो किया ना, वो न्यूक्लियर एनर्जी का ऐसा दुरुपयोग किसी ने तो किया ना, तो कौन, कैसी बुद्धि होगी, वही होती है आसुरी बुद्धि, वही होती है आसुरी बुद्धि। जिनके ऊपर आसुरी बुद्धि होगी, जिनके अंदर आसुरी अवगुण होंगे, गुण गुण ही कहेंगे हम तो, जिनके गुण दैवीय ना हो के आसुरी होंगे, जिनकी बुद्धि को माया ने हर लिया होगा, जिनके ऊपर तमोगुण डोमिनेट कर रहा होगा, वो ऐसे कार्य करेंगे, भयावह कार्य अर्थात डरावने कार्य, जिनसे संसार का विनाश भी हो सकता है, लेकिन वो उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके हिसाब से वो ठीक चल रहे। शशि चौधरी प्रभु जी या सॉरी माता जी। अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय ले तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रिया की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस कारण मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय वृत्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कभी ना कृष्ण। संतुष्ट होने वाले, ऐसे लोग जो होंगे वो कभी संतुष्ट नहीं होते, उनको किसी ना किसी की लालसा इच्छा या कहिए कि वो एक डिजायर जो है वो बनी ही रहती है। वो काम का आश्रय लेते हैं, गर्व और मद मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे रहते हैं। कौन है वो, आसुरी लोग हैं, मोहग्रस्त रहते हैं, ये उनके एट्रीब्यूट्स बताए जा रहे हैं, मोहग्रस्त और सदैव क्षण भंगुर मतलब क्षणिक टेम्परेरी चीजों के पीछे भागते हैं। अब आप एक आसुरी व्यक्ति का स्वभाव देखिए, ऐसा ही होता है जैसा बताया गया है, हमेशा मोहग्रस्त भ्रमित रहता है, अपने को स्वयं को सब कुछ समझता है, उसमें झूठी प्रतिष्ठा मान सम्मान के पीछे भागने वाला, अननेसेसरीली धन अर्जित करने की समस्या उसकी हमेशा बनी रहती है, कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, लिखा है ना, कभी संतुष्ट नहीं होता। उनका क्या विश्वास है, इंद्रियों की तुष्टि ही मेन काम है, वो हमेशा सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने स्वयं की इंद्रियों की तुष्टि। और भक्त क्या करता है, भक्त भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करता है, भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, और आसुरी व्यक्ति अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता रहती है, वे लाखों इच्छाओं में बंधे रहते हैं, और काम और क्रोध तो उनका मेन लक्षण होता है, इंद्र तृप्ति के पीछे भागते रहते हैं, इंद्र तृप्ति के कारण काम में पड़ते हैं, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, वहां से स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है और मनुष्य का पतन हो जाता है।
लेकिन वो इसको समझ ही नहीं पाते। यही इसमें दिखाया भी गया है चित्र के द्वारा। अमित भट्ट प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करें। जय श्री कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। असुरी व्यक्ति सोचते हैं, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरे शत्रु हैं और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूं, मैं सभी धनी व्यक्ति हूं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं, और मेरे पास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, और इस तरह मनाऊंगा, आनंद इस प्रकार मनाऊंगा। ऐसे मरण मनाऊंगा, इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। जय श्री कृष्ण माता जी। हरे, तो क्या बताते हैं आसुरी व्यक्ति की सोच क्या है? मेरे पास, उसके अंदर सबसे पहले मैं, जो आजकल एक फ्रेज भी चलती है ना, मी माइन माई सेल्फ, देखिए कितनी नेगेटिव है वो, और लोग उसको कितना पॉजिटिव समझते हैं। क्या क्या वो स्टेटस वगैरह लगाते हैं, मी माइन माई सेल्फ, उसमें सब चीज में मैं है, मैं मेरा। और यही इसमें बताया गया कि ऐसा व्यक्ति, तो अब हमें इन चीजों से बचना है, हमें इस मी माइन माई सेल्फ से दूर होना है। भगवान क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये भगवान ने कहा है, भगवान इसको आसुरी डिक्लेयर कर रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, आज मेरे पास इतना धन है, अपनी योजनाओं से मैं और अधिक कमाऊंगा। तो मैंने यज्ञ किया, मैंने दान दिया, मैं तप करूंगा, मैंने उसे मार दिया, वो मेरा शत्रु है। हर चीज में मैं इस वस्तु का स्वामी हूं, मैं इसका भोक्ता हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं सुखी हूं, मैं धनी हूं, उसके हर चीज में मैं है। मेरा संबंध कुलीन परिवार से है, मेरी माता मेरे पिता का ये ओहदा है, मैं इस पोजीशन पे हूं, मेरा ये डेजिग्नेशन है, मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, मेरे बच्चे इतने हाई फाई क्वालिफाइड है। तो जिस भी चीज में वो, जो आसुरी व्यक्ति होता है, वो हमेशा मैं के पीछे भागता है। और देखिए यहाँ पर चित्रों में क्या क्या दिखाए गए हैं, कौन दिखाए गए हैं, हिरण्यकशिपु, कंस और रावण, तीनों ही कितने शक्तिशाली लोग थे। अगर ये अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति को पॉजिटिव रूप में यूज करते, भगवान की भक्ति में यूज करते, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी चीजों का विनाश थोड़ी ना होता। ना सोने की लंका जलती, ना मथुरा का राजा जाता, है ना। तो ये बताया गया है कि आसुरी व्यक्ति जो है वो मैं के पीछे भागता है। अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेशु, पतंती नरकेषु चो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। तो जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे ज्यादा भागेगा, इस श्लोक से भगवान ये भी एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि उसका पतन तो अवश्य होगा। और पतन का अर्थ है कि इंद्रिय तृप्ति में फंस कर, काम क्रोध के चक्कर में फंस कर, फिर वो नरक भी जा सकता है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संशिता मामात्मा पर देहेशु प्रद्विंशंतो अभ्य सुयका। सुजल प्रभु जी, हरे कृष्णा, सॉरी, पूजा माता जी ने हैंड रेस किया हुआ है, पहले आप पढ़ लीजिए पूजा माता जी, हरे कृष्णा, फिर रिपीट करना शुरू हरे करेंगे। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मिथ्या अहंकार बल दर्प तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो मिथ्या अहंकार जिसमें रहेगा, बल रहेगा, जिसमें घमंड रहेगा, काम रहेगा, क्रोध रहेगा, उनका क्या होगा? वो हमेशा भ्रमित रहेंगे, आसुरी स्वभाव में रहेंगे। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, अपने शरीर में और अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या कर। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें अहंकार रहेगा वो दूसरे को अपने सामने कुछ समझेगा ही नहीं। वो ये नहीं जान पाएगा कि जिसकी वो अवहेलना कर रहा है, जिसका वो परिहास कर रहा है, या जिसके साथ वो गलत कर रहा है, उसके शरीर में भी तो एक परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है। अगर मेरे शरीर में है तो आपके शरीर में भी है। तो मैं आपके साथ अगर बुरा कर रही हूं, तो इसका मतलब मेरी
मेरा स्वभाव क्या हुआ? दैवी नहीं हुआ ना, आसुरी हुआ ना। तो यही भगवान बता रहे हैं कि जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति होता है वो अपने सामने जो मनुष्य होता है उसको देख के ये रियलाइज नहीं कर पाता कि उसके अंदर भी भगवान है, और इसी कारण वो उससे ईर्ष्या भी कर बैठता है। सुजल प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जो लोग ईर्ष्यालु और क्रूर है, ईर्ष्या करते हैं और क्रूर है, मतलब क्रूर मीन्स क्रूरतापूर्ण कार्य करने वाले, है ना, मर्सीलेस है। और जो नराधम है, नराधम कौन होता है? जो नरों में अधम हो, अर्थात जो गिरा हुआ हो, गिरी हुई प्रवृत्ति का हो, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डाल। भगवान कह रहे हैं भगवान उसे फिर उठने ही नहीं देते, क्योंकि जिसके अंदर ईर्ष्या होगी, जो जो क्रूर होगा स्वभाव से, जो नरों में अधम होगा, गिरा हुआ इंसान होगा, उसको भगवान उठने ही नहीं देते। भगवान कहते हैं मैं उसे फिर से भवसागर में डालता रहता हूँ, और वो भी किसमें? वो आसुरी से आसुरी योनियों में ही जाते रहते, भगवान उन्हें उद्धार का मौका ही नहीं देते। तो सोचिए भगवान उनके प्रति कितने क्रुद्ध हो जाते हैं, तो हमें कितना बचना चाहिए ना इन सब चीजों से। सॉरी, एक एक्स्ट्रा चली गई स्लाइड शायद, एक सेकेंड। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी मुझ तक नहीं पहुंचते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। जो इस तरह से गिरे हुए स्वभाव के होते हैं, आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, भगवान उन्हें फिर से आसुरी योनि में डाल देते हैं, तो उनका उद्धार हो ही नहीं पाता और गिरते जाते। भगवान ने कितने क्लियर शब्दों में ये बात हमें बताई। त्रिविधम नरकेस्यद्यम द्वारम नाशमात्मनाम कामः क्रोधस क्रोधस्तथा लोभास्तामेदत्रत्यं तज्त्यजेत। क्षमा कीजिए, त्यजेत। क्या क्या बताते हैं भगवान? इस नरक के तीन द्वार हैं। अब ये हमें याद रखने वाली पॉइंट आ गई। नरक के तीन द्वार कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। काम से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है और लोभ भी उत्पन्न होता है। और ये तीन चीजें क्या है? नरक के द्वार। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो काम से तो सबसे ज्यादा आत्मा का पतन होता है। क्यों? क्योंकि काम से ही धीरे धीरे सारी चीजें उत्पन्न होती है। काम से कौन उत्पन्न होता है? क्रोध। क्रोध से क्या होता है? मोह। मोह से इंसान की उसकी इच्छा प्रवृत्ति इतनी जाग जाती है कि वो किसी भी गलत ढंग से भी अपने जो उसकी इच्छा होती है प्रबल होती जाती है, और वो उसको फिर कंप्लीट करने की कोशिश करता है। काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि काम इच्छा जागती है, जब वो पूर्ण नहीं हो पाती तो क्रोध सर पे चढ़ जाता है, मोह उत्पन्न होता है, फिर स्मरण शक्ति चली जाती है, और अंत में मनुष्य का पतन हो जाता है। तो मनुष्य को क्या चाहिए? कि नरक के इन तीन द्वारों पर कभी न दस्तक देने दे। काम, क्रोध और लोभ को जितना हो सके रिड्यूस करे और उनको त्याग दे। एतेर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीण निर्भरः आचरत्यान्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम्। शशि चौधरी माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करें। कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हे हाँ कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं? जो इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है, कौन से? काम, क्रोध और लोभ, इनसे बच जाता है, वो क्या होता है? आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। जब हम काम से बच जाएंगे, क्रोध से बच जाएंगे, लोभ नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्यों नहीं करेंगे? कोई तो कारण होगा कि हम इन सब चीजों से क्यों हटेंगे, क्योंकि हम आत्म साक्षात्कार की तरफ चलना शुरू हो चुके होंगे। हमें ये लगेगा कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, हम इस मृत्युलोक में क्यों फंसे। और जब हमारे अंदर ये प्रश्न जागृत हो कि हम इस मृत्युलोक में क्यों फंसे, यहाँ कैसे आए, यहाँ से कहाँ जाएंगे, जब इस तरह के प्रश्न आए, भगवान कौन है, परम सत्य कौन है, आखिर कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को रचा रही है, चला रही है, जब हमारे अंदर इस तरह के प्रश्न जागृत होने शुरू हो, तो हमें समझ जाना चाहिए
ऐसा कोई भी मनुष्य जिसके अंदर ऐसे प्रश्न होंगे वो आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर, है ना। तो जो इन तीन द्वारों से बच जाता है वो फिर आत्म साक्षात्कार की तरफ चल पड़ता है, और इस प्रकार धीरे धीरे अपने अंतिम लक्ष्य को अर्थात परम गति अर्थात भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो जाता है। यह शास्त्र विधि मृत्यु सज्ज वर्तते कामकारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। नीता भानुशाली माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न ही परम गति की प्राप्ति होती है, हो बिल्कुल, पाती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, हमें क्या संस्कृति दी गई है? हमें तीन चीजें कभी नहीं भूलनी, साधु का गुरु, साधु और शास्त्र। साधुओं का संग अर्थात भक्तों का संग, गुरु का निर्देशन और शास्त्रों का अध्ययन, ये हमें कभी नहीं छोड़ना। और यही तीन चीजें हैं जो हमारी आगे की आध्यात्मिक जर्नी, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, हमारा जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, भगवत प्राप्ति का मार्ग है, उसको खोलती है। तो क्या ऐसी चार समस्याएं होती हैं हमारी मनुष्य में? आप देखिए चित्र के द्वारा आपको बताया जा रहा है। ईटिंग, मेटिंग, हम चार हिंदी में बोलते हैं, मैं थोड़ा सा हिंदी में भूल रही हूँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, सॉरी, खाना पीना सोना और मैथुन, ये चार चीजें हम लेते हैं, है ना। तो अगर हम इंग्लिश में हम इसको जानते हैं कि हम कैसे लेते हैं इसको, ईटिंग हम खाते रहते हैं, मेटिंग मैथुन की आदत रहती है, डिफेंडिंग अर्थात भय रहता है, और इंटॉक्सिकेशन लिखा हुआ है सामने अर्थात इंसान कोई भी मादक पदार्थों का सेवन करता है ना। तो यही हमारी चार चीजें हैं, और मनुष्य को और पशु को कौन चीज अलग करती है? ये चारों दोनों में पाई जाती है। मनुष्य को इससे क्या अलग करता है? उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस, है ना। तो हमें ये समझ के चलना है कि हमें, अगर भगवान ने हमें बुद्धि दी है, चेतना दी है, तो हम उसको कैसे यूज करें। अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो हम में और पशु में फिर कोई असमानता नहीं रह जाएगी। तो ये जो चार हमारे फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं वो इन्हीं चार चीजों पे बने हुए हैं। क्या चार चीजें हैं हमारी? कि हमें कभी भी नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और हमें मांसाहार नहीं करना, और किसी तरह के अवैध संबंध में नहीं पड़ना। फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिए ना प्रभुपाद ने, ये वही चार, हमें इनसे बच के रहना है। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो गुरु, साधु और शास्त्र, इसका कभी हमें त्याग नहीं करना। गुरु के निर्देशन में कार्य करना है, शास्त्रों के हिसाब से कार्य करना है, और साधु संग अर्थात भक्तों के संग की में ही रहना है, अभक्तों को, उसके संगों को त्याग देना है। तस्मा शास्त्र तम प्रमाणम ते कार्य कार्य विवस्तुतौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मिहार्हसि। पूजा माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, सॉरी। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार से क्या कर्तव्य, अपने मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में अगर एक चीज कही जाती है तो हमें उसका उल्लंघन नहीं करना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता जब पढ़ते हैं तो हम आश्रमों के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। तो जो भी माता जी, स्त्रियां, महिलाएं जो भी इन लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, उनके जहन में, उनके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि माताओं के लिए संन्यास क्यों नहीं बना। और जो भी थोड़े से जिसे कहते हैं थोड़ा सा इस स्वभाव की होंगी कि वो थोड़ा सा अपनी बात को रखने वाली होंगी, है ना, उनके मन में तो ये प्रश्न अवश्य आएगा। मेरे भी मन में आया,
तो श्रीमद् भागवतम में हमें इसका उत्तर मिलता है, शास्त्र क्या कहते हैं कि स्त्रियों के लिए संन्यास की संस्तुति नहीं है, स्त्रियों को हमेशा ही किसी ना किसी के संरक्षण में रहना पड़ता है। जब वो युवती होती है तो पिता के संरक्षण में होती है, उसके बाद जब वो गृहस्थ में चली जाती है तो पति के संरक्षण में होती है, और फिर जो वृद्ध हो जाती है तो वो अपने पुत्रों के संरक्षण में रहती है। तो स्त्रियों के लिए संन्यास की संस्तुति है ही नहीं, तो इसलिए हमें क्या है, हमें छोटी छोटी बातों में शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, हमें शास्त्रों को मानने की आदत होनी चाहिए, शास्त्रों को हमें उल्लंघन करके अपने मनमाने ढंग से नहीं चलना चाहिए। रूपा कुमारी माता जी पढ़िए। रूपा माता जी अनम्यूट करें। हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। अच्छा शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतो गुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। एक सौ हरे अट्ठाईस कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो एक सौ सत्ताईस पॉइंट आठ क्या बताते हैं, शास्त्रों में वे चार एक सौ मुख्य दोष, छत्तीस क्षमा एक सौ कीजिए, छत्तीस कृपा पॉइंट सात करके म्यूट करें, मैं देख एक नहीं पा रही कहाँ से आवाज आ रही है। सौ बत्तीस एक सौ बत्तीस नहीं 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 एक बार ही एक सौ सत्ताईस पॉइंट दो सिंबु शर्मा अनम्यूट करो। तो शास्त्रों में चार मुख्य दोष पाए जाते हैं जो बद्ध जीव में होते हैं। बद्ध जीव में कौन से मुख्य दोष हैं? पहली बात, हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, भगवान की इंद्रियां पूर्ण है, तभी तो भगवान किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर लेते हैं। अब जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान तो अर्च विग्रह के रूप में वहां स्थिर रहते हैं, भगवान तो हाथों से आकर नहीं हमारे सामने कभी हमने देखा कि खाते हैं, भगवान अपने नेत्रों से खा सकते हैं। पैरों से जरूरी नहीं भगवान चले, पैरों से भगवान कोई और काम भी कर सकते हैं, नेत्रों से खा भी सकते हैं, हाथों से चल भी सकते हैं, पैरों से कुछ और भी कर सकते हैं। तो भगवान की इंद्रियां पूर्ण है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती है। कपटता अर्थात हम में धोखा देने की, चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, धोखा देने की आदत होती है। त्रुटि करना, गलती तो मनुष्य करता ही करता है, और मोहग्रस्त रहना, हमेशा भ्रमित रहता है। तो ये चार त्रुटियां जो हैं ये बद्ध जीव में पाई जाती हैं। क्या क्या? अपूर्ण इंद्रियां, धोखा देने की प्रवृत्ति, झूठ बोलने की प्रवृत्ति, और मोहग्रस्त अर्थात भ्रमित रहने की प्रवृत्ति। इन चारों दोषों के कारण जीव विधि विधान के लिए अयोग्य होता है, और जो इन दोषों से परे होते हैं वे महात्मा होते हैं। तो इन दोषों से अगर हम परे होंगे तब तो हम महात्मा के स्तर पे पहुंचेंगे, बिना इसके कैसे पहुंचेंगे? शास्त्रों के नियमों के पालन किए बिना सिद्धि को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जो भी एक उच्च स्थिति पे जिसको पहुंचना है उसे शास्त्रों का तो पालन करना ही पड़ेगा। भौतिक प्रकृति के तीन गुणों, ये भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बने। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतो गुण तक तो उठना ही चाहिए। तो मनुष्य का क्या कर्तव्य है, वो अपना सेल्फ एनालिसिस करे। अगर वो तमोगुण में है तो एक स्टेप ऊपर अर्थात रजो में पहुंचे, रजो में है तो फिर एक स्टेप ऊपर अर्थात सतो में पहुंचे, और सतो में जो पहुंच जाए तो फिर वो एक स्टेप ऊपर शुद्ध सत्व में पहुंचे। और हमारे जो आचार्य गण हैं वो सभी शुद्ध भक्त हैं, तो वो ऑलरेडी शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं। तो हर मनुष्य को इसका प्रयास करना चाहिए कि वो एक एक करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने ऊपर वाले गुणों की ओर चलता जाए। तो यहाँ पर हमारा ये
अध्याय समाप्त होता है। तो अब आप लोगों के अगर कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। जिनके भी प्रश्न है वो हैंड रेस कर सकते हैं, यदि किसी का भी आज के अध्याय से संबंधित कोई प्रश्न है तो। ओके, बहुत अच्छी बात है। ओके, रचना रचना कंधार। रचना माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आज के अध्याय में आपने बताया कि स्त्रियां संन्यास नहीं ले सकती है क्योंकि उनको हमेशा हमेशा किसी के आरक्षण की जरूरत पड़ती है। तो माता जी, मेरा सवाल है, मीरा मीरा जो थी वो बहुत बड़ी भक्त रही हमारी कृष्णा जी की, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे? माता जी, वो तो देखिए ऐसे भक्त है कि वो जहाँ पे, वही बात है कि उन लोगों के बारे में हमारा कुछ भी कहना जो है वो ठीक नहीं रहता, क्योंकि वो बहुत बहुत ऊंचे स्तर की भक्त थी मीराबाई जी। लेकिन अगर हम शास्त्रों के हिसाब से चलें, मीराबाई जी क्योंकि हमारी परंपरा से नहीं आती, हमारी परंपरा में आपको ऐसे शायद ही कोई भक्त मिले, क्योंकि हमारी जो गुरु परंपरा है जो आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण से चलती है, और परंपरा में अगर चलती, यदि मीराबाई जी भी हमारी परंपरा में होती तो वो भी शायद ऐसा ना करती। लेकिन उनकी अपनी सोच रही होगी, परिस्थितियां रही होंगी, और फिर वो इतनी शुद्ध भक्त हैं कि उनके बारे में हम कुछ ना कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारी इतनी अवस्था नहीं है कि हम मीराबाई जी जैसे शुद्ध भक्तों के बारे में कुछ जी कहें। जी माता जी, जी धन्यवाद धन्यवाद। हरे रूपा कृष्णा, कुमारी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे मेरा कृष्ण। जो सवाल है वो इस अध्याय से रिलेटेड नहीं, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए माता जी। यह सवाल है माता जी कि क्या माता पिता के कर्मों का फल उसके बच्चे को भी भोग सकते हैं? एक मिनट, थोड़ा सा पीछे से साउंड और नॉइज आ रहा है, एक मिनट, प्रश्न नहीं सुन पाई मैं आपका। हाँ माता जी, फिर से बोलिए। मेरा प्रश्न है माता जी कि माता पिता के कर्मों का असर बच्चों पर भी पड़ता है या कर्म फल माने? क्या माता पिता या बुरे कर्म करते हैं उसके फल उनके बच्चों को भी भोगना पड़ता है? देखिए, किसी के कर्म कोई नहीं भोगता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम अगर जैसे किसी घर में रह रहे हैं, अब हम जो करते हैं उससे प्रभावित होकर हमारे घर के लोग कर्म करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो हमारी वजह से कर्म भोग रहे हैं। हालांकि कोई किसी के कर्मों को नहीं भोगता, ये सबका इंडिविजुअल अकाउंट होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत करूं तो उसका भोग कोई और करेगा, मैं ही किसी योनि में, दूसरी योनि में या किसी अगले जन्म में उसको भोगूंगी। लेकिन क्योंकि हम एक जगह पे इकट्ठे रहते हैं फैमिली में, तो जो मैं गलतियां करती हूँ वो मेरे से छोटे या मुझसे बड़ों ने की होती है, इसलिए मैं करती हूँ। जो मैं कर रही हूँ मुझसे छोटे भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के कर्म भोग रहे हैं और प्रभावित भी होते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आप इसको टेक्निकली समझे तो हर किसी के अपने कर्म है, अपने प्रारब्ध है, तो कोई किसी के कर्म कैसे भोग सकता है, ये तो इंडिविजुअल अकाउंट है। अगर ऐसा होता तो हिरण्यकश्यपु ने इतने पाप किए तो फिर प्रहलाद महाराज को उनके कर्म भोगने पड़ते। हिरण्यकश्यपु के अपने कर्म थे, प्रहलाद महाराज के अपने कर्म थे। ठीक है, धन्यवाद माता। हरे कृष्ण। अमित भट्टर्व जी, जय श्री कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण कवि जी। माता जी, मेरा एक प्रश्न है। इसमें आपने बताया था कि भगवान जी ने कथन में कहा है कि जो अर्जुन जी थे वो देवी गुण में उत्पन्न हुए, देवी गुण में पैदा हुए हैं, मतलब पैदा होते ही देव गुण में थे। तो जो देव गुण है, असुर गुण है, ये बाय बर्थ बाय जन्म होते हैं या फिर जब इंसान दुनिया में आता है कर्म करता है उसके बाद ये देखा जाए कि उसका आचरण कैसा है, देव गुण के आचरण है कि असुर गुण के आचरण है? तो ये मतलब बाय बर्थ है या फिर कैसे, मतलब? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, बाय बर्थ तो किसी में, अब कोई शिशु होगा तो किसी भी छोटे बच्चे के अंदर घमंड नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, द्वेष नहीं होता। तो अगर इसको इस तरह से समझे तो जन्म के साथ तो हम इस तरह की कोई भी समस्या लेकर ही नहीं आते, क्योंकि जीव जब तक माता के गर्भ में शिशु रहता है तो वो भौतिक गुणों से बंधा ही नहीं होता, उनसे परे होता है, तभी तो वो शाश्वत होता है। लेकिन जब वो इस प्रकृति के
के गुणों के साथ बंधता है, वहीं से तो परेशानियां शुरू होती है, क्योंकि फिर उसके ऊपर गुणों का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। जब वो छोटा होता है सतुगुणी प्रभाव रहता है कुछ समय तक, फिर रजोगुणी प्रभाव हो जाता है, फिर तमोगुणी प्रभाव आ जाता है। तो जन्म से ही दैवीय गुण लेकर उत्पन्न हुए हो, इसने कहा एक एक्सक्लूसिविटी अर्जुन को बताई भगवान ने कि तुम्हारा तो जन्म ही दैवीय गुणों के साथ हुआ। क्योंकि यदि आप महाभारत में जाएं तो ये बच्चे कोई सामान्य शिशु या बालक नहीं थे, इन्हें तो स्वयं कुंती माता ने भगवान की आराधना करके और इनको प्राप्त किया था। जैसे इंद्र देव की आराधना की तो अर्जुन प्राप्त हुए, पवन देव की आराधना की तो भीमसेन प्राप्त हुए, धर्म की आराधना की तो धर्मराज युधिष्ठिर प्राप्त हुए, है ना, तो अश्विनी कुमारों की आराधना की तो नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। तो ये दिव्य बालक थे, इसीलिए तो ये दिव्य थे, तभी तो इनके साथ भगवान स्वयं आकर इनके संबंधी इनके भ्राता बन के रहे, और फिर महाभारत के युद्ध में भगवान ने तो इनका सारथी बनना भी स्वीकार किया, और फिर सबसे बड़ी बात भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए भी इनको चुना। तो अगर ये दिव्य ना होते, जिस प्रकार भगवान का विराट रूप देखने के लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता थी, उसी प्रकार भगवान का ऐसा संग पाने के लिए भी तो दिव्यता की आवश्यकता थी। तो दिव्य थे ये, और इसका प्रमाण भगवान ने स्वयं इनको ये कहकर दिया कि अर्जुन तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है, तुम तो दिव्य गुणों के साथ उत्पन्न हुए। तो माता जी, इसका मतलब जो जैसा हमारा आचरण रहेगा उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन होंगे कि ये देव गुण में है या फिर असुर गुण में है, हमारे बिल्कुल आचरण के अनुसार। बिल्कुल, पहले ही श्लोक में ये बताया गया था कि जो ये गुण है इनका प्रभाव इनका आचरण वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से होना चाहिए। तो गुणों का प्रभाव तो रहेगा ही, लेकिन वर्णाश्रम से ही डिसाइड होता है, कि गुणों से पता चल जाता है कि ये कौन से वर्ण का है और कौन से आश्रम का है, उसके जात पात से नहीं पता चलता। कर्म और गुण ही डिसाइड करते हैं, जात पात से कुछ नहीं होता। कोई शर्मा है, कोई सिंह है, कोई यादव है, कोई कनौजिया है, या कोई भारद्वाज है, उससे नहीं डिसाइड हो सकता। उसको वो कौन से गुण में स्थित है, सतोगुण में है, रजोगुण में है, या तमोगुण क्षमा कीजिए, या तमोगुण में है, उससे पता चलता है। इसीलिए तो भगवान ने 26 गुण बताए जो दैवीय है। ठीक है, धन्यवाद जी, जय कृष्ण। हरे कृष्ण। वीवो 1970। हेलो माता जी, हरे कृष्णा। हाय कृष्णा प्रभु जी, आपका नाम प्रभु जी, नाम चेंज कीजिए। जी माता जी, दिलीप कुमार नाम हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। माता जी, जैसे आपने बताया कि मतलब माता कुंती जैसे मतलब भगवानों का आराधना करके जो बालक मतलब ली थी वो देवी गुण था जी जी, तो इस माध्यम से देखा जाए तो अंगराज कौन भी तो मंत्र प्रसाद थे सूर्य नारायण का, तो फिर वो असुरी गुण में है या फिर देवी गुण में है? नहीं, देव गुण तो उनके देवीय थे, लेकिन हम तीन चीजें क्या बोलते हैं, साधु संग, शास्त्र और गुरु का निर्देशन। अब कर्ण के साथ एक गलत चीज क्या जुड़ गई, संग, संगति गलत हो गई ना। अब उन्होंने साधु संग छोड़ करके और एक अभक्त का संग, ऐसे व्यक्ति का संग किया जो भगवान से ईर्ष्या करते थे, तो गुणों का प्रभाव आपकी संगति के प्रभाव के साथ भी तो मिल गया ना। तो अगर कर्ण को अच्छे गुण मिले थे तभी तो कर्ण के मन में ये चीजें थी कि नहीं, मैं ये गलत चीजें नहीं करूंगा। जैसे कि जब कर्ण ने कई बार महाभारत में ये प्रसंग आता है कि कर्ण अर्जुन सॉरी दुर्योधन को कहते हैं कि तुम युद्ध क्यों नहीं करते, ये क्यों तुम उल्टी सीधी चाले चलते हो, तुम युद्ध में जीतो सब कुछ। तो उनके गुण अच्छे थे लेकिन संघ ने बहुत बड़ा काम कर दिया, इसीलिए साधु संघ बहुत आवश्यक। जैसे माता जी, अंगराज कौन के पास तो धर्म था, हाँ जी वही प्रभु जी, वही मैंने आपसे कहा कि संगत ने वहां गलत कर दिया। अगर वो उस असत संग को त्याग देते और वो साधु संघ अर्थात पांडवों के संग में आ जाते तो फिर शायद महाभारत होती ही नहीं, और महाभारत होती ही नहीं तो फिर हमें भगवद्गीता का ज्ञान कैसे मिलता, तो ये तो भगवान की लीला थी। तो अब मतलब वासुदेव श्री कृष्ण तो बोले थे ना शायद कि मतलब कि पांडवों के पक्ष से युद्ध करें, हाँ बिल्कुल, तो मतलब वासुदेव श्री कृष्ण चाहते तो कोई लीला करके मतलब कि अंगराज कर्ण को मतलब पांडवों के पक्ष में ले तो सकते थे ना। बिल्कुल ले सकते थे, उनके लिए तो कुछ भी करना कष्टप्रद नहीं था, लेकिन उन्हें इसी लीला को करना था क्योंकि उन्हें भगवद गीता का ये ज्ञान देना था। और फिर ये भी कहा जाता है ना कि गांधारी माता के 100 पुत्र मारे गए, यदि कुंती माता का एक भी पुत्र ना जाता तो एक आरोप लग जाता इतिहास की तरफ से कि कुंती माता का एक भी पुत्र नहीं गया,
तो इसलिए कुंती माता का भी एक पुत्र गया, तो प्रोपोर्शन वही हो गई, उनके 100 गए तो इनका एक गया। इसीलिए कहते हैं कि लास्ट में द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हुई, और इवन अभिमन्यु जो सुभद्रा पुत्र थे उनकी भी, वो भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। तो अगर ये सब ना होता तो लोग एक उनपे आरोप लगा देते कि क्योंकि भगवान वहां बैठे थे तो भगवान ने अपनी साइड का तो कोई नुकसान नहीं होने दिया। तो ऐसा नहीं है, जिसके जो कर्म है उसको भोगने ही थे, तो भगवान ने ऐसा नहीं किया कि भगवान पार्शियलिटी करें। लेकिन हाँ, भगवान ने ये कहा है कि जो भक्त मेरी पूजा करते हैं वो मुझे प्रिय है, और क्योंकि पांडव प्रिय थे इसलिए पांडवों को वो सब मिला जिसके वो अधिकारी थे। अच्छा माता जी, एक लास्ट प्रश्न है कि महामहिम भीष्म वो असुरी प्रगति से थे या देवी? भीष्म जी को महामहिम भीष्म जो थे वो असुरी प्रगति से थे या फिर दैविक प्रगति से? नहीं नहीं वो तो दिव्य थे, वो तो देवी प्रभु, क्योंकि वो तो भगवान के बहुत परम भक्त थे। पितामह भीष्म जो थे उनको तो 12 महाजनों में भी गिना जाता है, तो वो तो देवी प्रकृति वाले थे, वो तो आसुरी प्रकृति दूर तो उनको टच नहीं की, वो तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं। फिर और भी उनका उनको युद्ध तो, में, हाँ जी, फिर भी मतलब उनका युद्ध में मृत्यु हो गई। वो तो इतने एलिवेटेड थे कि सब कुछ होते हुए भी उन्होंने सब चीजों का त्याग कर रखा था, तो वो तो कंप्लीटली दैवीय प्रकृति में थे प्रभु जी। ठीक है, तो मतलब कि महाभारत युद्ध में कुछ कृष्ण जी से गलती नहीं हुआ कि मतलब कि जब इतने दैविक थे महामहिम भीष्म तो उनका मृत्यु मतलब नहीं होना चाहिए था, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था। मृत्यु तो होनी ही है, शरीर तो नश्वर है ही, क्षणिक है ही, हाँ जी तो जाना ही माता जी, माता जी इसका तो जानकारी है माता जी, ये तो मतलब शरीर नश्वर है तो पता है, एक ना एक दिन जो जन्म लेता है उसको मृत्यु उसको मिलता है। जाना ही है, चाहे वो कितना ही अमरता का वरदान क्यों ना लेके आ जाए, उसको जाना ही है। जी जी धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी। और किन के प्रश्न है? रूपा कुमारी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न वर्णाश्रम को लेकर है माता जी। अभी जो गुण आपने बताया उसका वर्णाश्रम से कैसे संबंध है, ये नहीं समझ में आया। देखिए, वर्णाश्रम से इससे संबंध है क्योंकि ये जो गुण है ये कहीं ना कहीं इफेक्टेड होंगे हमारे वर्णों से और हमारे आश्रमों से। जैसे कि हम कहते हैं अहिंसा, या हम कहते हैं सरलता, तो अगर आप देखें तो ब्राह्मण का क्या गुण होता है? ब्राह्मण स्वभाव से सरल होता है ना। ब्राह्मण का जो स्वभाव होता है, ब्राह्मण अपने स्वभाव से सरल होता है। जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय तो एक हिंसक भी हो सकता है क्योंकि क्षत्रिय को हिंसा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन शुद्ध सत्व में आने वाला क्षत्रिय फिर हिंसा थोड़ी करेगा। तो कहीं ना कहीं ये गुण जो है वो इनके वर्णों से भी रिलेटेड है। और आश्रमों से कैसे रिलेटेड है? जैसे कि ब्रह्मचारी, अब ब्रह्मचारी आश्रम में कोई रहेगा तो वो सत्य बोलेगा, असत्य कैसे बोलेगा वो। तो ये दोनों से प्रभावित है, मतलब दोनों के हिसाब से इनका आचरण किया जाना चाहिए, ये बताया गया। जी माता जी, हरे कृष्ण। शशि चौधरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी, कृष्ण। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि आत्म साक्षात्कार, मतलब ये मतलब कैसे हो सकते हैं? आत्म साक्षात्कार का अर्थ है जब मनुष्य को ये बोध होने लगता है कि वो स्वयं अपने आप में कुछ नहीं है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है कि वो भगवान कृष्ण का दास है, वो केवल भगवान का अंश है, उसकी अपनी कोई स्थिति नहीं है। जैसे कि अग्नि होती है, अग्नि से जो चिंगारियां निकलती हैं, जब चिंगारी अग्नि से निकल जाती है तो उस चिंगारी का निकलने के बाद वो जल्दी बुझ जाती है, अग्नि जलती रहती है, लेकिन जो चिंगारी उससे अलग हो जाती है वो बुझ जाती है। ऐसे ही मनुष्य है, जीव है, ऐसे ही जीव है, जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं, उनसे विलग होके हम उनसे स्वतंत्र होने के लिए, अपनी प्रभुत्वता जताने के लिए हम इस धराधाम पे आते हैं, इसीलिए हम कष्टों में फंस जाते हैं और इसीलिए हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। हमारे गुण तो वही रहते हैं क्योंकि हम हैं, तो बेस तो हमारा वही है, भगवान के अंश है, लेकिन अंश में और पूर्ण में फर्क तो होगा ना। सागर के जल का एक ग्लास और संपूर्ण सागर में फर्क तो होगा ना। महासागर का जल भी खारा है, ग्लास में अगर आप उसमें से जल भरे तो वो भी खारा है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि ग्लास में पूरा महासागर आ गया। अग्नि की एक चिंगारी में और अग्नि में सेम तत्व पाए जाते हैं,
लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि चिंगारी और संपूर्ण अग्नि एक हो गई। लेकिन नहीं जब हम पूर्ण से अलग हो गए तो फिर हम अंश भी कहाँ रहे, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो मैं मतलब जैसे कहना चाहती हूँ कि जैसे मतलब हम अगर सही मार्ग में चलते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो मैं अपने आत्मा का मतलब साक्षात कर सकती हूँ। आत्म साक्षात्कार का यही अर्थ है कि हमें अपनी मूल स्थिति का ज्ञान हो जाए। हमारी मूल स्थिति क्या है? हम भगवान के नित्य दास, हम भगवान के अंश, इससे ज्यादा हमारी कोई पहचान नहीं है। जब हम भौतिक पहचान से ऊपर उठे, आध्यात्मिकता के स्तर तक आए, जब हम ये समझना शुरू करें कि हम भगवान के दास हैं और इससे अधिक हमारी कोई पहचान नहीं है, और इससे और थोड़ी ऊपर चले, हमारी जिज्ञासाएं परम ब्रह्म के प्रति, परम सत्य के प्रति, भगवान कौन है, हमें उनके पास कैसे जाना है, हमें उनकी प्राप्ति के लिए क्या क्या मार्ग अपनाने हैं, तो इसे बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, अर्थात अपना स्वयं का साक्षात्कार, कि हम खुद में कुछ भी नहीं है, हम तो भगवान के दास हैं, वैसे परम सत्य की खोज जब करना मन शुरू में, करें। हाँ मन में जब ऐसी अनुभूति आए तो मतलब उस समझ सकते आत्म हैं कि मेरी साक्षात्कार आत्मा की का अनुभूति शुरू हो साक्षात की जाती। तरफ मैं जा रही हूँ, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। एक ये भी है कि जैसे माला जाप करते हैं, तो जाप मतलब माला न लेके अगर कोई काम करते हुए भी अगर मैं सोचू 10 मिनट कर ली हरे कृष्णा तो वो जाप में आएगा। नहीं माता जी, जो संख्याबद्ध होता है वो तो हमें माला पे, माला नहीं है बाय चांस किसी टाइम आप काउंटर पे या बहुत इमरजेंसी है आप फिंगर्स पे करते हैं, लेकिन संख्याबद्ध जो जप होता है हमारा 16 माला का जो हमें निर्धारित दिया गया है वो तो हमें संख्याबद्ध ही करना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम में हम कुछ कर रहे हैं, जैसे अब हम कोई किचन में काम कर रहे हैं तो हम माला हाथ में नहीं ले सकते, तो हम एक्स्ट्रा टाइम में भी करते रहे तो हमारा शुद्धिकरण ही हो रहा है, लेकिन जो हमें लेकिन अपना वो, एक्चुअल जप है वो माला पे संख्याबद्ध करना होता है। हाँ मतलब वो काउंट में नहीं आएगा कि मेरी एक माला हुई वो काउंटिंग ऐसे। हाँ देखिए ऐसा कोई लेजर तो है नहीं जहाँ रोज की रजिस्टर में हम एंट्री कर रहे हैं, लेकिन हमें तो नहीं, पता जैसे है मैं ना कि चाहूँ हम कि मैं 16 माला करूँ, तो मैंने सोचा कि काम करते हुए 10 मिनट चलो कर लिए, 10 मिनट कुछ करते जा रहे हैं तो नहीं होगा, देखिए उसको हम अपने 16 माला में वैसे काउंट नहीं करते, क्योंकि नहीं कर वो सकते। तो हम जो जो एग्जैक्ट संख्याबद्ध है वो तो संख्याबद्ध ही है, लेकिन कई बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि हम माला नहीं कर पा रहे, जैसे कि कई बार हम माला हमारी उस दिन की रह गई है तो हम उसको टाइम के हिसाब से करेंगे तो हमें कैसे पता कि 10 मिनट में हमारा पूरा हुआ या नहीं, तो हम उस केस में नहीं है माला, बाय चांस हम भूल गए अपनी माला घर पे या किसी काम में ऐसे व्यस्त है कि माला पकड़ ही नहीं पा रहे हाथ में, तो फिर हम टिप्स पे या तो काउंटर के साथ करें, लेकिन संख्याबद्ध तो संख्याबद्ध ही रहना चाहिए, संख्या पूरी जरूर करनी है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। चल प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। मेरा हरे कृष्णा। यही एक सवाल था माता जी, हम जो माला करते हैं ना, माला के अलावा अगर हम 1 से 8 कोई काउंटर लगा ले तो वो भी सेम ही होगा क्या माता जी? हाँ काउंटर से कर सकते हैं, पर प्रभु जी क्योंकि तुलसी माला का अपना विशेष महत्व है, तुलसी महारानी भगवान को इतनी प्रिय है, वो भगवान तुलसी महारानी अगर हमारे जप माला में तुलसी माला का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि हमारा जप शुद्ध हो जाता है, तुलसी महारानी भगवान की सबसे प्रिय भक्त हैं, सबसे परम भक्त हैं, इसीलिए हम उन्हें साथ रखते हैं, गले में भी तुलसी माला धारण करते हैं, जप में भी तुलसी माला का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे साथ एक ब्लेसिंग है इसलिए रखना जरूरी है, अदरवाइज तो हम काउंटर पे कर सकते हैं, लेकिन ये भी हमारी एक ब्लेसिंग है कि हम तुलसी माला को साथ रखते हैं। माता जी, और नर्क के 3 द्वार तो काम क्रोध और अहंकार थे ना माता जी? लोग लोग काम क्रोध और लोभ। तो माता जी जो देवगुण में होता है तो उसको कभी क्रोध या लोभ नहीं होता क्या माता जी? नहीं प्रभु जी, दैवीय गुण में जो होगा उसको नहीं होगा, लेकिन हम अपने आप को दैवीय गुण में नहीं मान सकते क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम इसको पढ़ने के बाद सेल्फ एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं कि मुझ में ये है ये है ये है, सत्यता है हाँ मुझ में है, अहिंसा है हाँ मुझ में है, हम काउंट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्या ये हमेशा है, हमेशा नहीं होता, कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं और उस गुण से निकल के दूसरे गुण में चले जाते हैं। माता जी वो ऐसा हुआ था ना महाभारत में, जब अभिमन्यु को मारा गया था तो किसी एक कौरव के पक्ष से किसी एक ने अभिमन्यु के मृत शरीर पे लात मारी थी, तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आ गया था ना कि अब मैं कल के सूर्य अस्त तक उसको मार दूंगा, तो उन्हें भी तो कभी ना कभी तो वो गुस्सा आया होगा ना माता जी? देखिए प्रभु जी ऐसे तो हम गुस्सा, हनुमान जी को कितना गुस्सा आया था जब उन्होंने लंका जला हाँ दी,
तो जहां हमारा क्रोध भगवान के किसी कार्य के उसमें कार्य क्षेत्र के अंतर्गत चलता है, वहां वो गलत नहीं है। अब जैसा कि ऐसा कहा जाता है, हनुमान जी का एग्जाम्पल शास्त्रों का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है क्रोध का, कि हमें अपने क्रोध को कहाँ निकालना चाहिए, भगवान के किसी कार्य में। तो हनुमान जी ने, भक्त शिरोमणि हनुमान जी ने भगवान के कार्य करने के कारण ही तो लंका जला दी, तो बिना क्रोध के वो लंका कैसे जलाते। तो इसलिए बात जिस तरह से अर्जुन को उस समय क्रोध आया तो वो तो आना स्वाभाविक था, अर्जुन रण क्षेत्र में थे, क्षत्रिय थे। अभी जो प्रश्न उठा कि हम इन दैवीय गुणों को वर्णाश्रम के हिसाब से कैसे चले, ये उसका भी एग्जाम्पल हो सकता है कि क्रोध आया, लेकिन आया किस स्थिति में, जबकि वो अधर्म के विरुद्ध और धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे थे, तो वहां तो क्रोध आना अनिवार्य था। माता जी, इसका मतलब अगर हम कोई भी करें जिससे भगवान कि यानी धर्म के पक्ष में, तो वो सही, वो कहते हैं ना कि अगर छल धर्म की आश्रय के लिए होता है तो छल भी धर्म है, तो ऐसा ही कुछ है क्या माता जी? वो तो है, लेकिन हम उतने ज्ञानी नहीं है, हम उसमें गड़बड़ कर देंगे, फंस जाएंगे। हाँ माता तो जी, हमें बहुत कॉन्शियस रहना है, हाँ माता जी, हमें जो शास्त्रों के हिसाब से कार्य करने, गुरु के निर्देशन में कार्य करना। जो कुछ भी करना है वो सिर्फ भगवान के लिए, भगवान को अर्पण करके करना है। और माता सरेंडर जी, बस। हम अगर वो क्रोध करते तो अचानक हम छोड़ नहीं सकते, तो ये छोड़ने के लिए, और अगर तमोगुण में है तो उससे ऊपर उठने के लिए, ये तो सब अभ्यास ही है ना माता जी? बिल्कुल, हमें तमोगुण से नेक्स्ट स्टेप ऊपर जाना है, फिर रजोगुण से और उससे ऊपर जाना है, हाँ माता जी, तो तो हमें एक-एक स्टेप अगर करके ऊपर बढ़ना है। हाँ, ये सब तो सिर्फ अभ्यास से ही होगा ना माता जी? हाँ जी, ये तो सिर्फ अभ्यास से ही होगा ना माता अब जी? यस यस यस, बिल्कुल, प्रैक्टिस से, अभ्यास, एकदम हाँ से इंस्टेंट तो नहीं हो सकता, माता जी, समय हाँ, लगेगा। हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई प्रश्न? तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सत्र में जुड़ के हमें अपना आशीर्वाद दिया, और आप सबके संग हमें भी पढ़ने को सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, इसलिए मैं आप सबका दिल से हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी वैष्णवों को प्रणाम करती हूँ। कल का सत्र इसी समय पे होगा, 9 बजे के समय पे, और हम 8:50 पे महामंत्र के कीर्तन के साथ आपके समक्ष फिर आएंगे। तो आप सभी वैष्णवों को प्रणाम। वाञ्छा कल्पितरूपेश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्णा, दंडवत माता प्रणाम। जी, थैंक यू पवन प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मीटिंग को एंड करते हैं, आप सबका बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। माता जी, आपका